हमारी रसोई में ढेर सारे मसाले होते हैं जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। इन्हीं में से एक है काली मिर्च। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों से दांतों और मसूड़ों के दर्द, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, सर्दी जुकाम की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च का सेवन करने से होने वाले कई फायदों के बारे में बताएंगे। काली मिर्च के सेवन से होने वाले फायदे। नंबर एक, दांतों और मसूड़ों का दर्द। बहुत से लोगों को मसूड़ों और दांतों में दर्द की समस्या रहती है, जिस कारण वो ना तो ठीक से खा पाते हैं और ना ही कुछ पी पाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ठंडा गर्म खाने पर उनके दांतों में दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों को काली मिर्च का सेवन करने से दांतों और मसूड़ों के दर्द से जल्दी राहत मिलती है। इसके लिए काली मिर्च, माजू फल और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर इन सब का पाउडर बना लें। इसके बाद इसमें 4 से 5 सरसों के तेल की बूंदें मिलाकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। फिर दर्द होने पर दांतों और मसूड़ों में हल्के से इस पेस्ट की मसाज करें और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद पानी से कुल्ला करके मुंह साफ कर लें। ऐसा करने से आपको जल्द ही दांतों और मसूड़ों में होने वाली समस्या से राहत मिलती है। लगातार इसका ऐसे प्रयोग करने से आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, इससे दांतों में लगने वाले कीड़ों से भी छुटकारा मिलता है। नंबर दो, भूख बढ़ाएं। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते या उन्हें भूख नहीं लगती, जिस कारण वो कमजोर और दुबले पतले हो जाते हैं। बच्चे ही नहीं, बहुत से युवाओं को भी भूख न लगने की समस्या रहती है, जिस कारण उनका शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय जल्द ही थक जाते हैं। ऐसे लोगों को काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए। काली मिर्च भूख बढ़ाने का काम करती है। इसके लिए आधा चम्मच काली मिर्च को अच्छे से पीस कर पाउडर बना लें और फिर इसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। रोजाना सुबह शाम इस पेस्ट को एक चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपको भूख न लगने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर तीन, कैंसर। एक रिसर्च की माने तो भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सही समय पर इलाज न मिलने पर ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है। इसलिए न केवल ब्रेस्ट कैंसर बल्कि किसी भी तरह के कैंसर से बचाव के लिए काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी और सी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर के बनने वाले सेल्स से लड़ते हैं, जिससे कैंसर की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को भी कम करता है। रोजाना कम से कम सुबह खाली पेट 2 काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 4, सर्दी जुकाम। जिन लोगों के गले में खराश रहती है या हमेशा सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं, उन लोगों को काली मिर्च से बने काढ़े का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सर्दी जुकाम से तुरंत ही राहत मिल जाती है। इसमें पाया जाने वाला पाइपरीन शरीर में जाकर सर्दी जुकाम के वायरस को खत्म कर देता है, जिससे कि हमें सर्दी जुकाम या गले की खराश से तुरंत छुटकारा मिलता है। इसके लिए 1 गिलास पानी को अच्छे से उबाल लें और इसमें 3 से 4 काली मिर्च और 2 छोटे टुकड़े अदरक के भी कूट कर डाल दें। इसके साथ ही इसमें 1 लौंग भी डालें। इन सभी को अच्छे से उबलने दें जब तक 1 गिलास पानी आधा ग्लास न बन जाए। इन सभी को 30 से 45 मिनट तक अच्छे से पकाएं। फिर इस काढ़े को छानकर अलग कर लें और हल्का गुनगुना होने पर इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको सर्दी जुकाम, खांसी और गले की खराश से तुरंत राहत मिल जाएगी। इसका लगातार 3-4 दिन तक सेवन करने से आपका सर्दी जुकाम जड़ से खत्म हो जाएगा। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को हाई बीपी, हार्ट ब्लॉकेज या दिल से जुड़ी कोई भी समस्या रहती है, यानी कि उनके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का मेन रीजन शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है। जिसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काली मिर्च किसी औषधि से कम नहीं है। रोजाना 2 काली मिर्च के पाउडर का 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण हम हाई बीपी और हार्ट की बीमारी से बच जाते हैं। ध्यान रहे, आपको काली मिर्च का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। नंबर 6, डायबिटीज।
जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है और उनके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, ऐसे लोगों को काली मिर्च का रोजाना खाली पेट सेवन करना चाहिए। काली मिर्च में ब्लड शुगर और शरीर में बनने वाले इंसुलिन को नियंत्रण में रखने के गुण पाए जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला एंटी हाइपरग्लाइसेमिक तत्व हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप चाहें तो दो काली मिर्च को धीरे धीरे चबाते हुए गुनगुना पानी पी सकते हैं, या फिर पानी को गर्म करते हुए काली मिर्च को कूटकर उसमें डाल दें और उसे अच्छे से उबाल लें, फिर हल्का गुनगुना या ठंडा होने पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 7, जोड़ों में दर्द। जिन लोगों के हाथ पैरों जोड़ों घुटनों कमर में दर्द रहता है या नसों में अकड़न रहती है, जिस कारण उन्हें चलने फिरने या कोई भी काम करने में परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को काली मिर्च का सेवन करने से फायदा मिलता है। ऐसे लोगों को सुबह खाली पेट काली मिर्च से बने काढ़े का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए 3 से 4 काली मिर्च को कूटकर पाउडर बना लें और 1 गिलास गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। इसके लिए आप 1 गिलास गाय के दूध को अच्छे से पका लें और उसमें काली मिर्च का पाउडर और 2 बादाम को कूटकर डालें, फिर इसे अच्छे से पकने दें और ठंडा होने पर इसका सेवन करें। ध्यान रहे, इसका हफ्ते में केवल 4 से 5 बार ही सेवन करना है। नंबर 8, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए काली मिर्च का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा कभी कभार हमारे हाथ पैरों जोड़ों में सूजन हो जाती है और फिर इसमें दर्द होने लगता है। इस तरह की सूजन और दर्द से छुटकारा पाने के लिए 3 से 4 काली मिर्च का पाउडर बनाकर 1 चम्मच शहद के साथ रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे, हफ्ते में 1 चम्मच से ज्यादा काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ऐसा करने से आपको जल्दी शरीर में होने वाली सूजन, दर्द और अर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।